कहानी बाबा की सुनो कहानी, बाबा गोरखनाथ की सुनो कहानी। महायोगी हठ योगी महायोगी, महायोगी हठ योगी गोरखनाथ की सुनो कहानी, सिद्ध पुरुष की गोरखनाथ की सुनो कहानी, बाबा की सुनो कहानी। बार एक गांव में पहुंचे गुरु मच्छेंद्र नाथ। वहीं एक नारी गुरु के चरणों में गिर कर बिलख पड़ी। देख व्यथा उसकी गुरु ने पूछा क्या विपदा आन पड़ी। किसी कष्ट ने घेरा है या कोई दुविधा आन पड़ी। हाथ जोड़ कर वो गुरुवर हम पर दुख भारी है, सोनी गोद लिए जीवन से हारी ये दुखियारी है। नारी ने आंचल फैला कर कहा झुका कर ची पाऊं दीजे ये आशीष। सुनो कहानी सिद्ध पुरुष की गोरखनाथ की सुनो कहानी, बाबा की सुनो कहानी। कृपा से भक्तों हित शिव ने अवतार लिया। गुरु मच्छेंद्र नाथ ने उनको गोरख नाम दिया। सिद्ध महायोगी को पाकर धन्य हुई धरती। धर्म और संस्कृति का जग में फिर उत्थान हुआ। अमर कहानी है ये जग कल्याण की सुनो कहानी, बाबा की सुनो कहानी, सुनो कहानी, बाबा की सुनो कहानी। बाबा गोरखनाथ दर्शन दे माँ ज्वाला देवी ने किया सत्कार। मैया ने खुद अपने हाथों से रसोई सजाई। बाबा ने तब खिचड़ी खाने की इच्छा जताई। देवी बोली जाओ खप्पर भरकर खिचड़ी लाओ, तब तक अधन चढ़ा हुआ है, हे जाओ जाकर आओ। दूर दूर तक घूम घूम कर वो खप्पर लगे भरने। जगह जगह से खिचड़ी लेकर लगे भ्रमण वो करने। अमर कहानी है ये जग कल्याण की सुनो कहानी, बाबा की सुनो कहानी, सुनो कहानी।
कहानी बाबा की सुनो कहानी। मनोरम स्थल धूनी वहीं रमाए, नाथ पंथ के साधक ने फिर वहीं समाधि लगाई। गोरखपुर वो तीर्थ बना सनाथ हुई धरा, सारे जग की श्रद्धा का वो पावन केंद्र बना। भक्ति भाव से दुनिया भर के भक्त यहाँ आते हैं, गुरु गोरख खप्पर में खिचड़ी यहाँ चढ़ाते हैं। जय हो बाबा गोरखनाथ की, जय हो बाबा गोरखनाथ की। अमर कहानी है ये जग कल्याण की, सुनो कहानी बाबा की सुनो कहानी।